नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित आज के कलम के सत्र में मैं मनीषा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज की अतिथि गीतांजलि श्री जी और बिशंबर नेवर जी प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन की स्थापना यहीं कोलकाता में प्रख्यात नारीवादी लेखिका, उद्यमी और परोपकारी डॉक्टर प्रभा खेतान द्वारा 80 के दशक में हुई थी। फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वर्तमान में फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और विदेश के 40 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है और इसके आगे बढ़ने का क्रम जारी है। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली खास पहल से जुड़ा है, जिसमें किताब, लव्स, एक मुलाकात, सुर और साज, आखर जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। कलम का मकसद लेखकों को ऐसा मंच मुहैया कराना है जहां वे अपने प्रशंसकों से सीधे मिल सकें। हमें खुशी है कि कलम कोलकाता में आज अतिथि के रूप में लेखिका गीतांजलि श्री मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विजेता हैं। आप यह सम्मान पाने वाली हिंदी की पहली लेखिका हैं। आपको उपन्यास रेत समाधि के लिए इसकी अंग्रेजी अनुवादक डेजी नॉकवेल के साथ यह पुरस्कार मिला है। गीतांजलि जी अपनी खास लेखन शैली के लिए जानी जाती हैं। आपकी चर्चित प्रकाशित पुस्तकों में रेत समाधि के अलावा माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह जैसे उपन्यास और अनुगूंज, वैराग्य, मार्च माँ और सुकारा और यहाँ हाथी रहते थे जैसी कहानी संग्रह शामिल है। अंग्रेजी सहित विश्व की कई भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। आप अक्सर टूर पर रहती हैं। आपको कई सम्मान और फेलोशिप मिल चुकी हैं, जिनमें कृष्ण बलदेव वैद पुरस्कार, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विज देव सम्मान आदि शामिल हैं। आप जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट, संस्कृति मंत्रालय, जर्मनी, स्कॉटलैंड और फ्रांस में राइटर्स रेसिडेंसी और फेलोशिप पा चुकी हैं। आप थिएटर के लिए भी लिखती हैं और विवादी नामक ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। जाहिर है आपके लेखन और काम की सूची बहुत लंबी है, इसलिए आगे की बातचीत के लिए मैं लेखक और संपादक बिशंबर नेवर जी का आमंत्रित करती हूँ। आप छपते छपते के प्रधान संपादक और ताज़ा खबर के निर्देशक हैं और अपनी गंभीर साहित्यिक रुझान और गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि अपना फ़ोन साइलेंट या ऑफ कर दें और सब बैठ के ये रोचक चर्चा का आनंद उठाएँ। थैंक यू। गीतांजलि श्री जी का कलकत्ता महानगरी में स्वागत है। गीतांजलि, आप जानती हैं कलकत्ता महानगर जो है ये देश की साहित्यिक सांस्कृतिक राजधानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की नगरी है, काजी नजरुल इस्लाम की नगरी है और मेरे ख्याल से हिंदी का शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार हो जिसका कलकत्ता से संबंध नहीं रहा हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, निराला जी का जन्म भी बंगाल में हुआ था, सभी साहित्यकारों का कलकत्ता से नाता रहा है। हाल के जैसे वर्षों में नागार्जुन सभी कलकत्ते से जुड़े रहे और आप जिस वक्त कलकत्ते अभी आई हैं वो पूजा उत्सव चल रहा है, फिर पर इसका नाम कलकत्ता पड़ा था। ऐसे समय में, इस उत्सव के समय में आप आई हैं, इसलिए आपका विशेष इस उत्सव के बीच में आपका स्वागत है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से, कलम की तरफ से, ताजा टीवी जो हमारा चैनल है, हिंदी का चैनल, एकमात्र चैनल है पूरे भारत में, कई बार हमने परिचर्चा का आयोजन इस तरह से किया है, कई लेखों के साथ,
कई राजनीतिक नेताओं के साथ हम लोगों ने इस तरह से आयोजन किए हैं। कुछ वर्ष पहले शशि थरूर के साथ बातचीत हुई हमने, तो सही बात है कि हम कोशिश करते हैं कि जिस साहित्यकार लेखक को हम आमंत्रित करें उनकी सारी बातों को समझें, और सारी बातों को समझने के लिए कई बार कुछ हमें ऐसे बातें बोलनी पड़ती है जो सामने वाले को उत्तेजित कर दें, उसके मुंह से कहलवाना चाहते हैं। वैसे भी मैं पेशे से पत्रकार हूँ, हमारा पेशा है कि हम आपके जो बातें हैं उसको हम आपके मुंह से कहलाएं। तो आपसे हम कुछ सवाल भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं हमारे यहाँ जो लोग उपस्थित हैं सबसे आपका परिचय हुआ है, वो बहुत कलकत्ते की क्रीम है, ये साहित्यिक जगत लेखक जगत की क्रीम है, ये कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, ज्यादातर नाट्य शिल्पी हैं, कवि हैं, इस तरह की गैदरिंग है। आपके बारे में बड़ी उत्सुकता थी कलकत्ते में। आज जो T2 में विज्ञापन छपा जिसमें प्रभा केतन ट्रस्ट की तरफ से, उसको बड़ी डिप्लोमेटिकली उसमें नहीं दिया गया कब कार्यक्रम है, तो मुझे 500 लोगों ने फ़ोन किया, उसमें लिखा था मेरा नाम कि मिस्टर विशम्बर नेवर कन्वर्सेशन करेंगे। कई लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि सब कब करेंगे हमें बताइएगा, हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। थोड़ा हमको डर भी था क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, आप जानते हैं, कुछ राजनीति पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग भी हैं जो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। अभी जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, कलकत्ता उसमें थोड़ा अपवाद है, कलकत्ते में अभी वैचारिक स्वतंत्रता है, हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसी कुछ पाबंदियां नहीं है, फिर भी बहुत तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, अभी तो अभिव्यक्ति ही बहुत बड़ी खतरे में पड़ गई है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी बच के चलना पड़ता है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज जो आपको मिला उसके लिए हम आपको भले देर से लेकिन आपको बहुत बधाई देते हैं। आप पहली हिंदी के साहित्यकार हैं, जिन्हें ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए हमको विशेष रूप से खुशी है इस बात की। वैसे बुकर पुरस्कार में कई भारतीयों के नाम आप जानते ही होंगे, बी एस नागपाल हैं, अरुंधति राय हैं, किरण देसाई हैं, अरविंद अडिग हैं, सलमान रुश्दी हैं, और भी कई लोग हैं। एक हिंदी साहित्यकार में पहली आप साहित्यकार हैं। मैं आपने जो अभिव्यक्त किया जब आपको बुकर पुरस्कार मिला, तो उसकी कुछ चार लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ उन्होंने, आप ही के शब्दों में। मुझसे कहा गया था कि ये लंदन है और मुझे यहाँ हर तरह से तैयार होकर आना चाहिए। यहाँ बारिश हो सकती है, बर्फ गिर सकती है, बादल भी गिर सकते हैं, धूप भी निकल सकती है, और शायद बुकर भी मिल सकता है। इसलिए मैं तैयार होकर आई थी और अब लग रहा है जैसे मैं तैयार नहीं हूँ, बस अभिभूत हूँ। आपके उस बात में जो फोकस हुआ वो आप पर, और आपके जो उपन्यास को अनुवाद किया डेसी रॉकवेल ने, उन पर सारा फोकस था। फिर आपने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि तमाम लोगों को धन्यवाद, रेत समाधि की यात्रा में एक ठंडी छांव की तरह उनके साथ रहे, सबको आपने बधाई दी, धन्यवाद दिया, विशेष रूप से अनुवादक को धन्यवाद दिया आपने, क्योंकि वास्तव में बहुत ही बेहतरीन अनुवाद हुआ। और कलकत्ते में रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर और आप में एक समानता ये भी है कि टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था उनके गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर, और आपका क्या पुरस्कार भी अंग्रेजी अनुवाद पर ही आपको प्राप्त हुआ। मैंने बाद में पुस्तक मंगा के, करीबन 400 पेज की पुस्तक है, पूरा तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं एक नज़र से पूरी आपके उपन्यास को मैंने पढ़ा और मुझे तब समझ में आया कि लोग क्यों
आपके ऊपर इस तरह से टेढ़ी नजर रखे हुए हैं, कई जगह कई चीजें हैं उसमें। ये आपका पांचवा उपन्यास है, इसके पहले आप चार उपन्यास इसके पहले भी लिख चुकी हैं। इसमें एक 80 वर्षीय महिला के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, उसी माध्यम से देश दुनिया समाज संस्कृति भाषा संस्कार संबंध के कई रूपों को हम देखते हैं। मूलतः रेत समाधि स्त्री केंद्रित उपन्यास है, जिसमें रोजी नामक किन्नर, जिसको हम आमतौर भाषा में हीड़ा बोलते हैं, किन्नर को लेखिका ने अद्भुत ढंग से दिखाया है, दिखाना चाहा है और ये बताना चाहा है कि समाज में ये लिंगहीन व्यक्ति कई अर्थों में हमें उद्वेलित करता है, प्रायः ये हमारे समाज से उपेक्षित रहा है। लेखिका ने स्वयं लिखा है, हर साधारण औरत में छिपी ये असाधारण स्त्री की महागाथा है रेत समाधि, एक अमर प्रेम प्रसंग भी गाथा है की गाथा है। रोजी के जीवन पर लेखिका ने अविस्मरणीय चित्र खींचकर कथा को एक नई दिशा देने की चेष्टा की है। कहीं कहीं अश्लील सी लगने वाली भाषा उपन्यास के मांग के अनुरूप है। लेखिका ने कई प्रसंगों का उल्लेख करके बेलिहाज होकर भाषा को दिखलाने की कोशिश की है। लिंग अंडकोश जैसे शब्दों का प्रयोग उपन्यास में आए संदर्भों की मांग के अपेक्षित है, से अपेक्षित ही है। मैं इस संदर्भ में उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस रोजी किन्नर पात्र अपने ताथैया हरकतें करके पैसा कमाया, उसने उसका उपयोग अंजुमन इस्लाम के यतीम खाने, गुरुद्वारे के लंगर खाने और ईसाई मशीनरी के बच्चों पर खर्च किया, यानी सामाजिक कार्य कल्याणकारी कार्य या परहित किसी संभ्रांत समाज का एकाधिकार नहीं है। यह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे समाज भले ही हे दृष्टि से देखे किंतु उसकी अपनी दृष्टि उपकार या समाजोत्थान के समाधान के लिए रहती है। ये एक बहुत बड़ी खास बात है जो कुछ हद तक हमने फिल्म जो भी आई थी अभी गायकावाड़ी क्या नाम उसकी जो फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम फिल्म का, अंजुबाई काठियाड़ी, उस थोड़ा सा हमको उसमें उसका भाव सबको नजर आया। तो ये मैंने थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी और अब इसके पश्चात की हैं वो प्रश्न जिज्ञासाएं हैं कि क्योंकि ये उपन्यास थोड़ा अलग ढंग का उपन्यास है, कई बातें जो है इसमें वो अन्यत्र पहले कभी नहीं देखी गई और जैसा मैंने इसमें बताया कई जगह कुछ लोगों ने जो आपकी आलोचना की, कुछ एक विचारधारा एक मानसिकता है जो जिसको हम कई बार धार्मिक उन्माद भी कहते हैं, उनको थोड़ी सी पसंद नहीं आई, उनको थोड़ा सा खरोच लगी और उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। और यही कारण है कि हिंदी में पहली साहित्यकार को इतना बड़ा पुरस्कार मिलने के बावजूद हमारी सरकार के वजीर छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री या संस्कृति मंत्री ने भी, जबकि सारे हिंदुस्तान में सारी दुनिया में आपको बधाइयाँ मिली लेकिन उन्होंने आपको बधाई नहीं दी, तो इससे समझ में आता है कि उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो मैं कुछ प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, मैं आपके सामने रखूँगा। इसके पहले मैं चाहता हूँ जैसे जो मैंने कहा प्रश्न के उत्तर तो मैं बाद दूँगा, थोड़ा सा अगर आप प्रारंभिक वक्तव्य दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। गीतांजलि श्री जी धन्यवाद। मैं कोई वक्तव्य तो नहीं दूंगी पर जो बातें सुनी हैं पहले मैं थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, प्रभा खैतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन को खासकर, जिन्होंने मुझे
ये मौका दिया कलकत्ता आने का। कलकत्ता बिल्कुल गज़ब की नगरी है। मेरा इससे खासा पुराना रिश्ता है, बहुत सी बातें हैं इससे जुड़ी जिनको यहाँ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत 30-35 साल और उसके पहले भी मेरे माता पिता भी यहाँ से आए थे। तो कलकत्ते में आप आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ बातचीत का मौका मिल रहा है, ये भी मेरे लिए भी एक कुछ उत्सुकता मुझे इसमें हो रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बातें होंगी। एक दो छोटी छोटी चीज़ें परिचय में माफ़ करिए, थोड़ा मेरा सर कुछ भर गया है, मैं कसौली से थोड़ा साइनस लेके आई हूँ तो शायद खांसी आए एक आध बार। बहरहाल आपने परिचय में भी कहा कि ये पता नहीं टूर करती रहती हैं, यात्रा करती रहती हैं, तो ये पता नहीं गलतफहमी मेरे बारे में क्यों इतनी फैली हुई है। मैं चुपचाप अपनी गुफा में बैठ के लिखती रहती हूँ या अपनी गुफा में अकेली बैठी रहती हूँ, तो उसको टूर करना, हाँ है वो टूर करना वो भी है, लेकिन अपनी गुफा में बैठ के मैं टूर करती हूँ। तो ये गलतफहमी प्लीज़ ना फैलाइए कि ये हर समय कहीं फिरती रहती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी, आपने कुछ बातें कही, मैं एक चाहती हूँ कि शुरू में इस बात को कह दूँ कि ये अंग्रेज़ी अनुवाद को जो कहा जाता है कि बुकर मिला है, हम लोग इसको सही तरह से समझ रहे हैं कि नहीं। ये अंग्रेज़ी अनुवाद ये मेरी किताब रेत समाधि को मिला है, जो अंग्रेज़ी अनुवाद के मार्फत बाकी दुनिया के सामने आ पाई है। और मुझे लगता है कि ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि इसको लोग इतना लिटरली लेने लगते हैं कि ये तो अंग्रेज़ी वाली किताब को मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये मिला उस कृति को है जो अंग्रेज़ी के मार्फत दुनिया के सामने आई है। छोटी सी चीज़ है, मैं सोचती हूँ कि ये बता देना चाहिए और बहुत ही विनय के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। अगर नोबेल प्राइज़ टैगोर की गीतांजलि को मिला तो वो टैगोर की कविता को मिला, वो येट्स को नहीं मिला। तो ये बात यहाँ तो देखिए और एक्नॉलेज किया है पूरी तरह से डेजी रॉकवेल को, बुकर ने, और दुनिया में इस बात को मान्यता दी जा रही है कि ट्रांसलेटर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो साहित्य सबके लिए उपलब्ध नहीं है उसको ट्रांसलेशन ही सामने ला पा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को आधा आधा ये प्राइज़ मिला है। तो वो तो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से हम उनको ये मान देते हैं और इस बात को मानते हैं, लेकिन इसमें ये कहीं पे खो नहीं जानी चाहिए कि कृति एक है। ये बस ये मैं कहना चाहती थी। दूसरी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं, तो देखिए जो ये नेगेटिव बातें हैं कि किसने क्या नहीं कहा, किसने क्या बुरी बातें कही, हम लोग उसकी क्यों बात करें। इतने प्यार मोहब्बत से इतने लोग इस समय मुझे घेरे हुए हैं, इतना बड़ा मेरा संसार हुआ है इस किताब को लेकर, इतनी बड़ी कम्युनिटी एक बनती चली गई है और इतनी तरह की बातें आ रही हैं सामने, अच्छी एक अलग अलग पाठ जो इसके हो रहे हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम निकालते हैं उन लोगों को, और ख़ास कर जब आप कहते हैं कि वो तवज्जो देने लायक नहीं है। भाई आप किसी चीज़ को उसके साहित्यिक संदर्भ से उखाड़ के कुछ और बनाएंगे या राजनीति में कुछ और बनाएंगे तो वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो इसको हम इतना तूल ही क्यों दे रहे हैं कि हम उस पर पूरा एक डिस्कशन यहाँ पे क्यों हम करना चाहते हैं। तो मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि इन बातों को उठाया जाए जब तक कि कोई उससे बात ज़रूरी नहीं जुड़ती हो। आप इसकी बात करिए, सकारात्मक बात करिए, तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बाकी मैं आपसे क्या कहूँ अपने लेखन के बारे में या और क्या वक्तव्य दूँ। मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ,
मेरी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अंग्रेज़ी का बोलबाला है तो सब जानते हैं जब किताब अंग्रेज़ी में आ गई, बाकी दुनिया जानती है, हिंदी वाले जानते हैं मेरी किताब थोड़ी बहुत, जो भी उसके बारे में समझते हों, बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन हिंदी के बाहर कम ही लोग जानते हैं, और जो दूसरी भाषाओं में आई हैं उन भाषाओं की भी वो जगह नहीं है जो अंग्रेज़ी की है, तो इसलिए हम लोगों को वो भी नहीं पता चलता। पर रेत समाधि का पहला अनुवाद फ्रांसीसी में हुआ, ना कि अंग्रेज़ी में, और बहुत अच्छा अनुवाद हुआ। एनी मोंटो शायद आप में से कुछ लोग जानते हों, बहुत बढ़िया विशेषज्ञ हैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की, और इतना उनको प्यार है हिंदुस्तान से, हिंदी साहित्य से और यहाँ की संस्कृति से, कि आप उनको देखेंगे तो शायद कुछ पल ये भी समझें आप कि वो हिंदुस्तानी ही हैं, इस कदर वो इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। तो एनी मोंटो ने सबसे पहले इसका तर्जुमा किया, और बहुत बढ़िया तर्जुमा किया है। मैं जानती हूँ इसलिए कि मैं एनी को जानती हूँ, इसलिए कि जिन लोगों ने पढ़ा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी मैंने बातें सुनी, उससे मुझे अंदाज़ है बिना उस तर्जुमे को पढ़े कि बहुत अच्छा उन्होंने किया है। उसमें जो किताब की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उसका जो खिलंदड़ापन है, भाषा का जो मज़ा है, और जो उसमें उसकी आत्मा है, वो सब उन्होंने उसमें अपने फ्रांसीसी अनुवाद में वो लाई हैं और ला पाई हैं। लेकिन जाहिर है उसकी बात फ्रांस के अलावा ज़्यादा कोई नहीं जानता। अंग्रेज़ी में आने से एक दूसरी दुनिया है, बहुत फैली हुई दुनिया वो खुल जाती है, और बुकर मिल जाने से वो दुनिया और विस्तृत हो जाती है। तो हम लोगों को इसके डेजी रॉकवेल वाले तर्जुमे के बारे में पता है, एनी के तर्जुमे के बारे में नहीं पता है। और मेरी किताब जब आई थी 18 में आई थी, और मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कृष्णा सोपती हैं जिन्होंने पहले इसको पढ़ा, और उन्होंने मुझे मेरे लिए वो हमेशा बिल्कुल गुरुजन रही। जब मैंने शुरू किया था तब से कृष्णा जी से मैं बीच बीच में मिलती थी, तो बिल्कुल वो आशीर्वाद देती थी, और बहुत हमेशा बहुत बढ़ावा देती थी और पूछती थी, मतलब वो बहुत बड़ी हस्ती थी, हमेशा वो पूछती थी, उनको याद रहता था कि ये नए लेखक क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो जब मिलो उनसे पूछती थी, अच्छा आपके वो आपका वो उपन्यास पूरा हुआ, क्या हो रहा है वगैरह, क्या नाम लिखा, ये सब वो बात करती थी। तो कृष्णा जी ने सबसे पहले पढ़ा, और शायद उनके जीवन का आखिरी वो रिव्यू रहा होगा जो उन्होंने इस किताब का किया। और कृष्णा जी ने ही मुझसे कहा कि देखो ये बड़ी किताब है, और किसी जल्दी में मत रहो, इसको लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस पर प्रतिक्रियाएँ जो हैं धीरे धीरे आएंगी। और मुझे लगता है यही हुआ। वो बिल्कुल अस्पताल में थी, शायद अपने इस दुनिया से चले जाने के हो सकता है कुछ हफ्तों पहले की बात हो, तब भी मैं उनसे उनके पास गई, उनसे मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा, और उन्होंने मुझसे कहा ये कि बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हालांकि मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मैं अपना लिखती हूँ चुपचाप, मैं इतना किसी जल्दी में नहीं हूँ कि कौन पढ़ रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, और मुझे अब याद आती है कि जैसे उन्होंने एक भविष्यवाणी सी करी, उन्होंने कहा ये बड़ी किताब है और इस पर जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। और वही हुआ, और देखिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और औरतें पढ़ रही हैं इतनी, और उम्र दराज औरतें पढ़ के उत्साहित हो रही हैं कि ये तो मेरे बारे में है। न जाने कितनी औरतें मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि ये तो मेरी नानी और दादी के बारे में है,
आप बताइए लेखक को इससे बेहतर क्या लगेगा, और मुझे क्या पड़ी है कि किसी को लग रहा है कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है। अरे उनकी मैं सुनूंगी कि इनकी सुनूंगी, औरतें वो मुझे बताएंगे कि औरतों के प्रति मेरा क्या नज़रिया होना चाहिए, मुझ औरत को बताएंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी औरत के प्रति संवेदना के संग जीने जूझने समझने की है, वो मुझको बताएंगे। तो ये औरतें मुझे आकर बता रही हैं कि आपने हमको तो बिल्कुल हमारे जीजी विशा को आपने पहचाना है, दादी नानी बता रही हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं इसमें उनको लग रहा है कि 80 साल औरत से आपने क्या क्या करा दिया, उनको कुछ नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि हाँ हम हैं इस लायक, हम तो कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बस यहीं से मुझको खूब बल मिलता है और बाकी तो मैं अपना काम करती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कई चीज़ें बहुत दृढ़ता के साथ रखी हैं कि हमें इधर उधर की बातें नहीं करके जो उसका मूल उद्देश्य है, जो मूल जिसके कारण ये उपन्यास सार्थक हुआ, उस पर बात करनी चाहिए। मैंने वही प्रश्न तैयार किया, एक आध कोई भाषा को लेकर के है, लेकिन मूलतः हमने भी यही सवाल किया जो लोगों की जिज्ञासा है, जो सकारात्मक सोचते हैं लोग। गीतांजलि सिंह जी, मेरा पहला सवाल यह है कि आपके पांच उपन्यासों में रेत समाधि को ही आपने अंग्रेजी में अनुवाद क्यों करवाया, और शेष चार उपन्यास आपको आप किस दृष्टि से देखते हैं, पहला प्रश्न। देखिए एक अब आप फिर आप कहेंगे कि मैं आपसे आज बात बात पे उलझ रही हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा है कि पांच में। हाँ जी, नहीं नहीं मैं आपने कहा कि इसका ही अनुवाद आपने अंग्रेजी में क्यों करवाया, मैंने कोई अनुवाद अंग्रेजी में या किसी भाषा में नहीं करवाया। अच्छा। मैंने आज तक कोई अनुवाद अपनी तरफ से नहीं करवाया है, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद है कि खुदा जाने कहाँ से कुछ चीज़ें होती चली गई हैं। तो इस बात का मुझे बहुत सुकून भी है कि मैंने नहीं करवाया। एनी मोंटो ने इसको पढ़ा, एनी मोंटो मेरी उन्होंने, और ये भी माफ़ करिए, ये आपको कोई वजह नहीं कि आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन मेरे 3 उपन्यास इसके पहले अंग्रेज़ी में आ चुके हैं। अच्छा। तो माई का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ है, तिरोहित का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ है, और खाली जगह का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ है। तो ये मेरा 4th उपन्यास है जो अंग्रेज़ी में आया है, और वो बस मतलब अंग्रेज़ी में मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा कोई पाठकगण मिले। माई को ज़रूर, मुझे लगता माई पे काफ़ी चर्चे हुए हिंदी क्षेत्र के बाहर, तो अंग्रेज़ी में भी और दूसरी कुछ भाषाओं में, लेकिन जिस तरह रेत समाधि को, अब रेत समाधि का कौन सा पल था, कौन से सितारे जुड़ गए और उस पे बुकर देवता मेहरबान हो गए, तो ये कौन जाने ये चीज़ें कब कैसे हो जाती हैं। मतलब सब चीज़ें सही होनी पड़ती हैं, कृति अच्छी है तो ठीक है, कृतियाँ तो बहुत हैं अच्छी, लेकिन और भी चीज़ें हो जानी होती हैं, और वो हो गया उस समय। तो ये रेत समाधि एकदम से अलग पहुँच गई, लेकिन 3 उपन्यास इसके पहले अंग्रेज़ी में आए हैं, और वो भी सब अपने आप हुए, लोग मेरे पास आए हैं कि हमें करना है, और जिस उपन्यास को लेकर कोई नहीं आया है मेरे पास, वो आज भी पड़ा हुआ है, हिंदी में है, हिंदी में लोग जानते हैं और भाषाओं में नहीं आया है। गीतांजलि सिंह जी, इसमें जो 5 उपन्यास आपके हैं, उसमें सबसे आपका अपना प्रिय उपन्यास सबसे ज़्यादा कौन है, और पहले सबसे पहले आपने कौन सा उपन्यास लिखा था, उसमें उसके प्रति आपकी क्या दृष्टि है? पहला उपन्यास मेरा माई था, माई और वो मैंने, वो शायद मेरी जो साहित्यिक यात्रा है उसमें मेरी दूसरी किताब माई
है। उसके पहले कहानी संग्रह था अनुगूंज और फिर माई आया। तो मैं देखिए, मैं उस तरह की लेखक नहीं हूँ जो अपने लेखन को लेकर बहुत अभिभूत और आत्मविभोर रहती हूँ। मुझे रचना प्रक्रिया में रस मिलता है, कभी अटकती हूँ, तकलीफ़ भी होती है, रास्ते ढूंढती हूँ उसमें से निकलने के, निकल भी लेती हूँ। और वो रचना प्रक्रिया अपने में एक ऐसी जादुई चीज़ है कि वही मुझे सिखाती चलती है। उसमें कभी कभी एक अचंभा होता है कि अरे ये चीज़ कहाँ से आ गई। जैसे आपने रेत समाधि पढ़ा है या जिन्होंने भी यहाँ पे पढ़ा है, तो उसमें कौवे और साड़ी वाला जो पूरा दृश्य है वो मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैंने इतना प्लान नहीं किया था। और मुझसे लोग पूछते हैं कि वो कहाँ से आया, तो मैं कहती हूँ मैं पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब कौवे हैं हमारे चारों ओर, कौवे बड़े तेज़ भी हैं, शैतान भी हैं, कहाँ से कौवे इससे जुड़े और कैसे ये पूरा एक सीन बन गया, जो मुझे भी उसको देख कर मज़ा आता है। वो पेड़ पे साड़ियाँ लटकी हुई हैं, दुनिया भर की साड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि ये हो कैसे गया। हो जाता है कभी। उस पर एक मल्लिकार्जुन मंसूर जी का किस्सा याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कभी बहुत किसी अपनी धुन में उन्होंने एक राग गाया और किसी ने उनसे पूछा, देखिए मुझे बहुत ही आधे अधूरे ढंग से किस्सा याद है, माफ़ करिएगा, लेकिन फिर उनसे किसी ने पूछा कि वाह आज आपने तो क्या गज़ब गाया है, भाई कौन सा राग था, ये तो बिल्कुल कोई नया राग है, आपने ये क्या बनाया। तो उन्होंने कुछ मुस्कुरा के कहा, खोकर बना दिया। तो वो राग का नाम हो गया राग खोकर, खोकर। तो उनका एक बहुत मशहूर उनका राग है मल्लिकार्जुन मंसूर का, खोकर राग। तो बस मुझे भी लगता है कि देखिए कुछ होता है शायद रचना प्रक्रिया में कि आप खोकर कभी कुछ कर देते हैं, तो बस वो बन गई चीज़। तो इस तरह मुझे कुछ चीज़ें उसमें एकदम से मुझे भी चमत्कृत करती हैं, लेकिन ये मेरी सबसे प्रिय है, मुझे समझ नहीं आता। सब में कुछ ना कुछ संभावना लगती है, सब में ये भी लगता है कि शायद और भी कुछ कर लेती, कर सकती थी। और माई जब मैंने लिखा, आपने पूछा कि पहली कृति मेरे लिए क्या है, तो देखिए माई किस दृष्टि से देखते हैं उस पहली कृति को? जी उस पहली कृति को आप किस दृष्टि से? हाँ तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहानियाँ लिखी थी उस समय, और ये भी मैं नहीं बता सकती कहाँ से, पर मेरे मन में आया कि जो मेरे से पहले की पीढ़ी है औरतों की, उस पीढ़ी ने हमें कितना बनाया है, क्या कुछ दिया है, इसके बारे में अगर मैं कुछ नहीं कहती तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। और वो मुझको बहुत परेशान करने लगी बात, कि जैसे ये कोई ज़मीन है, इस पर मुझे जाना ज़रूरी है, इसको पार करना ज़रूरी है, तभी मैं आगे कुछ भी कर पाऊँगी। तो उन औरतों के कंधे पर हम खड़े हैं और मुझे ये बात कहनी है, कैसे कहनी है ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बहुत परेशान थी, बस ये मालूम था कि नहीं इन स्त्रियों के बारे में मुझे कहना है। तो मैंने लिखना शुरू किया माई, और मुझे ये नहीं मालूम था उस समय कि ये कोई निबंध बनेगा, ये कहानी बनेगी या क्या बनेगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये था कि नहीं ये कोई, और ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा, मैं इसमें सफल होंगी या एकदम असफल, ये भी नहीं पता था। लेकिन करना बिल्कुल ज़रूरी है अगर मुझे अपने को आज़ाद कर लेना है और कुछ करने के लिए फिर खाली छोड़ना है। तो किसी न किसी तरह से मैंने वो शुरू किया और वो बनता चला गया और मेरा पहला उपन्यास माई बना। तो मेरे लिए एक तरह से वो मेरा, आप कहिए कि उसने नींव मेरे लेखन की डाली, और इस उस लिहाज से वो मेरा
खासा अजीज उपन्यास में उसको अपना कहूँगी। बस गीतांजलि सिंह जी, हालांकि जो मैं अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ उसका आंशिक जवाब आप दे चुकी हैं, फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक मैं एक दो बातें एक जिज्ञासा के तौर पर जानना चाहते हैं कि रेत समाधि उपन्यास पर मिले बुकर पुरस्कार आपके मूल हिंदी कथा पर है, ये आपने बताया, लेकिन उसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ है वो आपकी दृष्टि से, क्योंकि देखिए अनुवाद हम लोग अनुवाद मानते हैं पर काया प्रवेश को, अनुवाद के यहाँ हमारे एक दो बड़े अनुवादक माने प्रेम कपूर हैं, रावल पुष्प हैं, बहुत अच्छे अनुवादक हैं, तो उनके अनुवाद पर भी किताबें चलती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो अनुवाद हुआ उसको आप कितना श्रेय देते हैं, क्योंकि अच्छा अनुवाद जो है वो लोग आपकी चीज़ों को भावनाओं को प्रस्तुत कर दिया, वही अगर अच्छा उतना अच्छा अनुवाद नहीं होता तो शायद हो सकता कि आपको ठीक से वो परकाया प्रवेश नहीं हो पाता, थोड़ा समझ जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, अनुवाद अच्छा नहीं होगा तो आपकी किताब चौपट है, आपकी किताब कितनी भी अच्छी हो अगर अनुवाद नहीं अच्छा है तो वो उसको कहीं और नहीं पहुँचाएगा जी, वो जहाँ है वहीं रहेगी, तो अनुवाद तो अच्छा होना ही पड़ेगा, ये तो हमको हर हालत में मानना है, और बुकर ज्यूरी या जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है और अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं वो रेत समाधि नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो तो टूम्ब ऑफ सैंड ही पढ़ रहे हैं, वो टूम्ब ऑफ सैंड के जरिए ही जान रहे हैं रेत समाधि को, तो उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा कि अच्छे अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत अहम भूमिका होती है, उसको हम किसी भी तरह से कम करके नहीं देख सकते हैं। और डेजी ने बहुत बढ़िया काम किया, डेजी से मैं आप लोग शायद हैरान हो, मैं कभी मिली नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने किसी को किसी अनुवाद के लिए ना कभी कहा है ना कुछ, इत्तेफाक से जब बात बनी है मेरे पास कोई आए हैं तो मेरे पास एक पत्र आया कि आपकी किताबें लंदन की फलानी प्रकाशक पढ़ती रही हैं और वो चाहती हैं कि आपको आपका कुछ छापें, आपकी नई किताब आई है अगर उसका तर्जुमा नहीं हुआ है तो क्या आप उनको देने को तैयार हैं। तो मैं उस समय साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में जा रही थी कोहिमा, मेरे संग दो तीन लेखक और बैठे थे, एक बंगाल के ही लेखक थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा दोनों से कि क्या कहते हैं आप लोग, मेरे पास ये पत्र आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुमसे कोई और पूछ ही नहीं रहा है तो जो पूछ रहा है उसको मना क्यों करोगे। सही बात है। तो बस कुछ मैं नहीं जानती थी, मैं उस प्रकाशक के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, पर यह कि भाई जब कोई और नहीं पूछ रहा है तो आप किसको कि इसको लें कि उसको लें वाली बात ही नहीं है, एक ने पूछा है बोलिए हाँ, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर इसका कोई अनुवाद नहीं हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर डेजी को कॉन्टैक्ट किया, पता नहीं डेजी ने उनके लिए पहले काम किया है तो मुझे याद नहीं आ रहा, और डेजी ने मुझको एक थोड़ा सा अनुवाद करके भेजा इसके शुरू के कुछ पन्नों के। मैंने जब वो अनुवाद देखा तो मुझको लगा कि अब आपने तो पढ़ा है उपन्यास, तो कोई बहुत सीधा आसान उपन्यास तो है नहीं, तो मुझे बहुत इस पे ये पढ़ के मुझे बहुत एक अंदर से सोचे कि हौसला मिला कि भाई इनको तो ये टेढ़ा उपन्यास मज़ा भी दे रहा है और ये समझ रही है उसको, तो हम ज़रूर इस पे काम कर सकते हैं मिलकर। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता है हम लोग कर सकते हैं, उस वहाँ से डेजी और मेरा रابطہ शुरू हुआ। उस समय मैं ये भी नहीं जानती थी कि डेजी इंग्लैंड की नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशक इंग्लैंड के थे तो मैं समझी डेजी भी वहीं की हैं, बाद में पता चला कि वो अमेरिका की हैं। तो फिर डेजी से हमारी खतो किताबत चलती रही, ईमेल के ज़रिए हम लोगों ने मतलब उनसे भी इतनी लंबी लंबी बातचीत की, जितना बड़ा रेत समाधि नहीं है उससे लंबे हमारी वो पोथी हो सकती है, जो हमने एक दूसरे से बातें करी, जो उन्होंने सवाल पूछे, हर चीज़ पे सवाल पूछे, जो बहुत परेशान करने वाले भी थे, क्योंकि लेखक उस तरह से पूरे चेतन मन में हर चीज़ नहीं लिखते हैं, हम लोग अपनी थोड़ी एक कुछ वही ना गफलत में भी खोकर लिखते हैं, अब वो जो है हर चीज़ उनको जाननी ज़रूरी थी कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई, ये रंग क्यों,
ये शब्द क्यों, तो मुझे अपने ही काम पे रिसर्च करनी पड़ रही थी उनके जवाब, उनको जवाब देने के लिए। लेकिन ये था कि मुझे मालूम था कि ये तो बहुत डिटेल्ड काम कर रही हैं, और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और जब आप बुकर की शॉर्ट लिस्ट पर आ जाएं, तो वो आपको बुलाते हैं। तो 6 लोग आए थे उस लिस्ट पे, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया लंदन बुकर अनाउंसमेंट के शायद 5 दिन पहले। तो आप सोचिए कि बुकर अनाउंसमेंट के 5 दिन पहले मैं डेजी रॉकवेल से मिली हूँ, तब हम मिले हैं। और बस आगे तो जो हुआ पता ही है। पता नहीं उपन्यास पढ़ रहा था जो मूल उपन्यास हिंदी में, और मुझे पता था इसका अनुवाद हुआ, बड़ा श्रेष्ठ अनुवाद हुआ है। मैंने इंग्लिश पर तो पढ़ा नहीं, कई बार मुझे लगा कि इस शब्द की अंग्रेजी क्या लिखी होगी उसने, इसकी अंग्रेजी उसको मिली है क्या, क्योंकि कई शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं वो तो हिंदी वाले ही जानते हैं, वो हमारी अपना आंतरिक मामला है, कभी हम लोग आपस की बातचीत में करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या उपयुक्त शब्द मिला होगा। तो कभी मेरी उत्सुकता है कि उसको अंग्रेजी में देखूं कि मैं उसके लिए क्या शब्द लिखा उसने। तो ये भी आपको भी लगता होगा कि इस तरह से कैसी उसने इन शब्दों को अंग्रेजी में ढाला होगा। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा आपको भरोसा भी करना पड़ता है अनुवादक पे, और थोड़ा सा उसको एक हद के बाद छोड़ भी देना होता है। भाई वो अपनी भाषा और संस्कृति में आपकी भाषा और संस्कृति को ला रहे हैं, तो हर चीज़ हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें थोड़ी बदल भी सकती हैं, कुछ ध्वनियाँ थोड़ी बदल सकती हैं। अब और मैंने जैसे अब कौवे वाले में मुझे इस समय याद नहीं है, उदाहरण मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत से शब्द बनाए गढ़े, तो उनको अब उसी तरह से तो नहीं कर सकती थी, पर उसने भी अपने ढंग से गढ़े, तो बहुत मज़ा ले लेके, बिल्कुल मतलब उसने इतनी मोहब्बत से उसने अनुवाद किया कि मुझे भी था कि हाँ ये जान रही है ये क्या कर रही है, और उसको इस तरह से इन्वेंट करने में बहुत रस मिल रहा था। और मुझे लगता है कि उसने अच्छा किया, कहीं कहीं बात बन गई, कहीं कहीं कुछ रह भी जाता होगा, लेकिन ये सब है। अब हम टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की को हम तो अंग्रेजी हिंदी में ही पढ़े रखे हैं, अब हम क्या जाने रूसी में क्या लिखा और क्या था। आपकी अगली योजना क्या है, और क्या आप नोबेल पुरस्कार के लिए भी लिखने की सोच रही हैं क्या? मैंने इन दिनों में क्या लिख रही हैं आप? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? मैंने आज तक किसी पुरस्कार के लिए, माफ करिए, कुछ नहीं लिखा। पुरस्कार मेरे वहमो गुमान में नहीं है, पुरस्कार के लिए एजेंडा में नहीं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लेखक पुरस्कार के लिए लिखते हैं वो कोई और हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं पुरस्कार के लिए नहीं लिख रही हूँ, और बिल्कुल सीधी सच्ची बात है कि मेरा अपने मेरे भीतर एक कोई चुनौती है, मुझे कुछ चीज़ें उद्वेलित करती हैं, कभी परेशान करती हैं, कभी आनंदित करती हैं। मुझे ज़रूरत होती है अपने से संवाद करने की, दुनिया से संवाद करने की, अपने चारों ओर को कुछ समझने की, कुछ मिट्टी को लेकर आकार गढ़ने की। ये मेरे अपनी कोई एक धुन है, तो मैं उसमें लगी हुई हूँ। पुरस्कार कहीं से आ जाए, और पुरस्कार अगर पुरस्कार की कोई गरिमा है, उसकी खुद कोई पहचान है, तो क्यों नहीं खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है। उसको मैं ये थोड़ी कहूँगी कि मुझे ज़रा भी कि मैं उसके आगे बिल्कुल अभिभूत नहीं हुई, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी पहचान मुझको मिली है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रही। और नोबेल, अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से? और ऐसे और इस तरह किसी को पता हो, पहले तो आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या चीज़ लिखेंगे जो कहाँ जा सकती है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। कोई अब जोड़ तोड़ वाली कोई चीज़ होती हो तो भले ही कोई जानता हो कि भाई कैसे जोड़ तोड़ करके आप ये कर लीजिए, वरना तो आप तो सिर्फ लिख सकते हैं कौन सी चीज़ पसंद आने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं, कौन सी चीज़। अरे कितने अच्छे अच्छे लेखक और कलाकार हुए हैं जो अपने जीवन में उनको कोई जान ही नहीं पाया,
और वो चले गए और उसके बाद कुछ पता चला लोगों को कि भाई ये तो ऐसे हैं कि हमें ध्यान देना था, लेकिन गया उनका जीवन तो गया। तो अब ये सब इसकी गारंटी कोई कहाँ से लाए? ये सब तो जोखिम उठाने पड़ते हैं अगर आप कला और साहित्य में से जुड़े हैं, उससे आपको प्यार है तो करिए, आपको क्या पता वो कहाँ आपको ले जाएगा। एक जो मुझे थोड़ी आशंका लग रही है, हालांकि आप उसका आपने अपने हिसाब से जवाब भी दिया है। देखिए, एक बहुत बड़े कहानीकार थे सादत हसन मंटो, सब जानते हैं उनको। तो उनके साथ भी क्या हुआ, कितना कैसे बर्ताव किया, तो आपको ऐसा आशंका नहीं लग सकता कि वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है? आशंका लिए चलते रहिए, वो कौन सा जीवन हुआ भाई? आशंका मैं क्यों करती रहूं? अब जब होगा उससे भी जूझेंगे। जीवन कौन हर चीज़ बता बता कर आने वाला है? हम तो यही चाहेंगे कि हम जिस तरह से लिख रहे हैं, ईमानदारी से लिख रहे हैं, उसी तरह से हम लिखते रहें। अब आगे कौन सी चीज़ कहाँ, वो तो औरत के लिए मैं ख़ास तरह से लिखती हूँ, आदमी उठ खड़े होंगे कि आप कर क्या रही हैं। आदमी बहुत से हैं जो परेशान होते हैं नई औरत के तेवर से। तो अब आप इन चीज़ों को लेकर आप आशंकाओं को भी कहाँ से अपना गाइड बना सकते हैं? सही बात है। आपको तो अपना काम करना है, और मैं पूरी इज्जत से और ईमानदारी से कोशिश करती हूँ कि अपना काम करूँ। आगे भाई खुदा ना करे। आपने कहा, बता भी दिया कि जो आपके आलोचक हैं उनके प्रति आपका क्या मैसेज है, या उनके बारे में आप क्या, आप उसको किस रूप में लेती हैं? ऐसे हैं बहुत बड़ी संख्या में, आप जानते हैं आलोचकों को, मैं उस तरह के आलोचकों को नहीं जानती हूँ। देखिए, एक तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मुझको वो सब मालूम ही नहीं, और मुझे सुनना ही नहीं है ये। देखिए, अगर आप कोई, आप मुझे बताते हैं कि भाई मुझे आपकी किताब अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आपका कैरेक्टराइजेशन बड़ा कमज़ोर है, आपका कहानी तत्व उसमें बड़ा हमें नहीं, रुचि कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है, तो मुझे आपकी बात समझ में आती है। मैं कहती हूँ भाई मुझे अफसोस है आपको नई चीज़ पसंद आ रही, पर मैं ज़बरदस्ती ये भी नहीं कहूँगी कि भाई आपको पसंद करना ही है। तो ठीक है, वो तो मैं सुन सकती हूँ, और भी कोई आप चीज़ बताएं जो, देखिए सिर्फ आलोचना से कुछ नहीं होता है, आप आलोचना करते हैं जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर जाकर कुछ एक मतलब वो मैं आत्मसात करके वो मेरे भीतर का कोई एक स्वर बने, तब मुझे उस आलोचना से कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो वो वाली आलोचना मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन जो आलोचना साहित्य से इतर चीज़ों को लेकर हो रही है, जिनमें राजनीति या घटियापन या बिल्कुल एक कट्टर सोच घुसी हुई है, वहाँ पे तो कोई संवाद की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ मुझे क्या करना है उसको सुनकर, उस पर बात ही क्या मुझे करना है, किससे करूँ बात? तो देखिए, साहित्य है, साहित्य के मापदंड हैं, साहित्य की बात हो रही है तो साहित्य के मापदंड पे करिए उसको। लोगों में इतना विवेक होना चाहिए कि वो साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ें, और दूसरे उनके अगर कोई और उनकी एजेंडा है और दिलचस्पी है तो वहाँ हम किससे बात करें? ठीक बात। गीतांजलि सिंह जी, आपने सभी प्रश्नों का बड़ा सटीक जवाब दिया और बहुत सीधा जवाब दिया आपने, और ऐसा जवाब दिया जिससे असंतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं एक दो सवाल और थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सवाल हमारे बाकी जो मित्र बैठे हैं यहाँ पर, जिसको मैंने कहा कि ये बहुत प्रतिनिधि गैदरिंग है, रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग है ये, इसमें नाट्यकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप उनसे जिज्ञासावश जो भी पूछना है पूछिए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप किस विधा में काम कर रहे हैं ये आप बता दीजिए, जिससे कि इनको भी समझ में आए कि भाई ये कवि हैं, लेखक हैं, नाट्यकार। तो आप में से पहले महिला से शुरू करें, सत्या जी आपसे शुरू करें, नहीं शुभ्रा जी पीछे से, अच्छा तो पीछे से एक हाथा वसुंधरा जी, वसुंधरा जी आप चलिए। वैसे आपका नाम बताओ, फिर भी आपने
और कुछ लिखती रहती हूँ, जैसे आपने कहा कि खो कर लिखते हैं वैसे ही कुछ कुछ लिखती रहती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि रेत की समाधि में आपने एक जगह लिखा है कि बेटी जो होती है वो हवा से बनती है, और उस एहसास को, वो बारीकी जो है वो क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा है। तो बेटी को आप किस रूप में वहाँ पर देखती हैं, यही मेरा प्रश्न है। देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, ये एहसास की ही बात है उसमें। और मेरे ख्याल में ये अकेले मेरे समझाने की भी बात नहीं है, ये पाठक भी आपको समझाएंगे, शायद आप भी अपने को समझाएंगे। तो बेटी ये कोई एक नाजुक एहसास की बात है कि हवा की बनती है, कि ऐसी कुछ ठोस कठोर सी चीज़ नहीं है, उसमें एक हल्कापन है, एक नज़ाकत है, एक खूबसूरती है। और हवा की जो कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हवा की तरह का जादू है, हवा की तरह की लय है। तो बस वो जिसको कहते हैं कि वो बहुत से इशारे करती है, ना कि स्पष्ट कोई चीज़ ऐसे कह रही है कि मैं कहूँ कि ये मिट्टी की बनी है, उसकी आँख ऐसी है, उसका वो ऐसे ऐसे, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये उस नाजुक एहसास, क्योंकि आप जानती हैं औरतों की, बेटियों की जो कहानी है वो खुद इतनी बारीक और इतनी परतों वाली है, उसमें इतने दुख दर्द भी हैं, इतनी उम्मीद भी है, इतने तरह की संभावनाएं हैं। तो वो पूरा जो टुकड़ा है वो इन बातों को एक तरह से इंगित करता है। जी, बहुत सही है, आपने बताया कि धन्यवाद। अविल पुष्प पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का सदस्य भी हूँ। तो आपके उपन्यास में जैसे 80 साल जो औरत है, तो उसके अंदर जो, ऐसे तो हर व्यक्ति के अंदर अगर बचपन जिंदा है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको आपने बड़े बखूबी उकेरा भी है। और उसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है कई कई जगह कि उसके तस्वूर में शायद पाकिस्तान भी किसी तरीके से आता है, तो ये पाकिस्तान के संदर्भ किस लिए आया और किस कारण से वहाँ आपने लिए? किताब का जो स्वरूप बनता चला गया, उसमें तरह तरह की सरहदों की नकार बार बार उठने लगी। तो हर चीज़ पहले से सोची हुई नहीं थी, पर तरह तरह की सरहदें, चाहे वो लिंग भेद की सरहद हो या उम्र की सरहद हो, और भी सरहदें, जिन यहाँ पे सारे मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें उस नरेशन में पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो सरहद है वो भी जगह पा गया। तो ये कहानी भी अम्मा की उसमें आ गई कि ये सरहद भी कोई मायने रखती है उनके लिए, यानी कि ये सरहद भी मायने नहीं रखती है, ये सरहद बनी हुई है जिसको वो नहीं मानती हैं, इसको भी लांघती हैं, और ये सरहद भी एक पुल है, ना कि दीवार जो दोनों को अलग अलग करेगी। तो वो कहानी भी सरहदों की कहानियों में एक और सरहद जो हम सब के जीवन में बहुत मायने रखती है, वो सरहद भी आई, जैसे कि उसको आना ही था। जी नमस्कार, मैं मधु सिंह, खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज के हिंदी विभाग से, और इसके साथ ही विद्यासागर विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी रेत समाधि परंपरागत अनुभवों और स्मृतियों से थोड़ी भिन्न है, ऐसे में नहीं लगता है कि पाठक अनुभव की भिन्नता की वजह से भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे में
ज़बरदस्ती बात क्यों करूं जो नहीं समझ पा रहे, जो नहीं समझ पा रहे अगर वो भी मुझसे इज्जत से बात करते हैं तो मैं भी उनसे इज्जत से बात करूंगी वापस कि देखिए हर चीज़ एक तो वही क्यों हो जो आप जानती हैं और पहचानती हैं, आपके भीतर, आपसे मतलब मेरा हर पाठक घर से, आपके भीतर नए के लिए जिज्ञासा क्यों नहीं है, तैयारी क्यों नहीं है, एक हौसला क्यों नहीं है कि ज़रा हम नए ढंग को भी, नए प्रयोग को भी आजमा के देखें। तो इतना क्या घबराना कि नहीं, जब वो जाना पहचाना है, परिचित है, यहाँ तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, बस बंद करके रख दिया। पर न जाने कितने लोग मुझसे बोले हैं, और मैं तो पाठकों की प्रतिक्रिया बोल रही हूँ, मैं तो तैयार हूँ कि मेरी किताब, मैं जब लिखती हूँ तो मैं तैयार रहती हूँ कि मेरी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने जब ये किताब लिखी है मैंने बहुत ही आज़ादी से लिखी है, मैं कोई मुझे मेरे मन में कोई पुरस्कार तो आसपास नहीं था, और मेरे मन में कोई ऐसा पाठक भी नहीं था जो मुझे बताए कि ऐसे करो या वैसे करो। तो मैं तो बिल्कुल तैयार थी कि ये पुस्तक कोई कहेगा कि एकदम ही पागलपन वाली है और हमें तो पढ़नी ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि ये पुस्तक तो पता नहीं कहाँ जाएगी, कि दुनिया भर में पागल लोग ही भरे हुए हैं जैसे, हाँ तो ये तो उधर चली गई। तो ये जो बात है कि भिन्न भिन्न से हम इतना घबरा क्यों जाते हैं, और हर चीज़, मैं ये भी कहूँगी कि हर अच्छी चीज़ भी हमेशा उसी जानी पहचानी आसान अभिव्यक्ति में नहीं मिलेगी आपको, तो क्यों नहीं हम कोशिश करने को तैयार होते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो आज की एक छोटी सी साहित्यकार हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी, बड़े बड़े लेखक हो चुके हैं, टॉल्स्टॉय हैं, शेक्सपियर हैं, हमारे जो महाभारत और रामायण हैं वही कौन से पूरे के पूरे बड़े आसान हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं इनको, कुछ चीज़ों के लिए उनको ख़ास कोशिश करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें बड़े हल्के तरह से चल जाती हैं और लोगों को मज़ा आता है। और इस किताब को भी मैं आपको बोलूं, न जाने कितने लोगों ने मुझसे कहा कि भाई बड़ी मुश्किल लगी, हम 50 पन्ने तो किसी तरह पढ़ गए, फिर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा था, फिर लोगों ने मुझसे कहा लेकिन हमने फिर दोबारा कोशिश करी और ऐसा हम उसमें बहते चले गए और हम इतने आराम से पढ़ गए, हमको कोई परेशानी नहीं हुई, हमको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी। तो वही मुझे बता रहे हैं जो आप बात कह रही हैं कि मुश्किल है और भिन्न है, वही उसी का काट भी मुझे बार बार सुनने को मिलता है। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या जवाब दूँ इसका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दरअसल मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे भी यही दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर से, जैसा कि आपने कहा कि फिर से उसको बार बार पढ़ा ताकि और अच्छे से समझ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन सा आप रोज़ हम लोग इंसानों से मिलते हैं, कौन हर इंसान एकदम सीधा कि बस उसने शुरू किया और आप पूरा समझ गए? अरे इंसान भी तो होते हैं ना, परतें होती हैं, इनको छिपा होता है, कोई बड़े दिलचस्प होते हैं। अरे कोशिश करिए, उस यात्रा पे जाइए। जी मैम धन्यवाद। नमस्ते, मैं राज्यवर्धन। कवि, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मूल हिंदी या फिर अंग्रेजी अनुदित होता है फिर, और बस इसी बारे में जानकारी थी। मैं भी जिस माहौल में पली बढ़ी हूँ उसमें अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जैसा कि सारे मध्यवर्गीय परिवार वाले बच्चे होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजा था, हमको भी भेजा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में पली बढ़ी, तो स्कूल में तो मुझे अंग्रेज़ी मिली लेकिन चारों ओर मुझे हिंदी मिली। और मेरे वक्त में, मेरे बचपन में, अभी ये जो आज की पीढ़ी है जिसको कि हिंदी की किताबें नहीं मिलती हैं, वो हाल मेरे बचपन में नहीं हुआ था। तो हम लोग की जो पत्रिकाएं घर में आती थी वो हिंदी की थी, किताबें हम पढ़ते थे वो हिंदी के थे, जो शहर में साहित्य सम्मेलन होते थे और उर्दू के मुशायरे होते थे उसमें हमारे माता पिता हमको ले जाते थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इसलिए बच गई, तो
तो दोनों भाषाएं, एक तो बल्कि एक तरह से सिर्फ औपचारिक तरह से मैंने उसको सीखा है कि उसमें बेतरतीबी होगी मेरी शिक्षा में, लेकिन मैंने बहुत से स्तर पे हिंदी फिर सीखी, माँ से सीखी, पढ़ाई से सीखी, सड़क से सीखी, सब जगह से मैंने उसको सीखा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये ज़रूर मुझे महसूस हुआ कि कहीं पे एक खिचड़ी मेरे दिमाग में है, तो कभी शब्द अंग्रेज़ी में आता तो लगता कि अब तो हिंदी में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप तर्जुमा ही करते हैं। एक बार अंग्रेज़ी में आपने पहले सोच लिया तो फिर तो वो तर्जुमा ही होगा उसके बाद, तो वो मुझे बहुत परेशान करता था। तो शुरू में ये सब होता था ज़्यादा, अब धीरे धीरे अंग्रेज़ी अलग है, हिंदी अलग है। धन्यवाद। शुक्रिया। आपकी तो असल में मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि मेरी माँ हिंदी ही जानती हैं, तो हिंदी ही बोलती थी हम लोगों से। जब मैं हॉस्टल चली गई तो वो लंबे लंबे ख़त मुझे हिंदी में लिखती थी, मैं उनको हिंदी में लिखती थी, तो मेरा अभ्यास हिंदी में खूब हो रहा था। सिर्फ ये कि कहीं ना कहीं हम लोगों को माहौल वही मिल रहा था जिसमें कि अंग्रेज़ी का दर्जा वहाँ माना जाता था, तो वो उसको समझते और नकारते जो भी वक्त लगा लगा। बाकी मैं हिंदी में बिल्कुल शुरू से पली बढ़ी हूँ। मैं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, पेशे से पत्रकार हूँ और नई दिल्ली से हमारी मैगजीन नई पीढ़ी निकलती है, उसका मैं संपादन करता हूँ और इसके साथ दो व्यावसायिक पत्रिकाओं का भी संपादक हूँ। एक जिज्ञासा हमारे मन में थी, चूँकि ये जो पुस्तक का शीर्षक है आज सबसे अधिक चर्चित है, और रेत की समाधि, रेत समाधि, हाँ जी जी, रेत की लोग गलत, रेत समाधि, रेत समाधि, इस पुस्तक का जो शीर्षक है इस पर पाठकों की भिन्न भिन्न राय है कि पुस्तक का ये शीर्षक क्यों रखा गया, तो इस पर आपकी क्या राय है ये थोड़ा जानना था मुझे। बिल्कुल फौरन एक सीधा आपके लिए जो भीतर उसमें कथा है उससे आपके जुड़ाव बना दे तो अलग बात है, उस तरह का जोड़ नहीं है इस शीर्षक का, लेकिन मेरे लिए शीर्षक जो है लिखने की प्रक्रिया में बनते हैं, मैं पहले से नहीं सोचती हूँ और ना आखिर में सोचती हूँ। जब मैं लिख रही होती हूँ, मैं बहुत से ड्राफ्ट्स लिखती हूँ और हाथ से लिखती हूँ, तो मैं जब लिख रही होती हूँ तो कुछ चीज़ें उसमें बार बार आने लगती हैं, तो इसमें ये बार बार आ रहा था और अलग अलग संदर्भ में आ रहा था। रेत समाधि, तो समाधि जो कि रेत में है, और बार बार ये बात आ रही थी कि जो रेत में समाधि होगी, एक तो वो मौत नहीं है और वो रेत में दबी किसी भी चीज़ का अस्तित्व, वो इंसान है, वो बुद्धा है जिसमें जो मूर्ति इसमें एक है, बुद्धा की बात है या कहानियों की बात है, स्त्रियों की कहानियों की बात है, तो इसमें बार बार ये आ रहा था कि वो ये कोई भी चीज़ मरती नहीं है, वो दब जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा रेत में दबती है। तो रेत में दबने का मतलब है कि कभी भी हल्की सी ठोकर, एक पवन का झोंका, ज़रा सी कोई भी छेड़ आएगी और रेत जो है झड़ जाएगी या उड़ जाएगी और कहानी या वो सच्चाई या वो तत्व निकल कर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन एक एक में इसमें एक चीज़ जुड़ जैसे रेत शब्द जो है वो हमारे राजस्थान में तो बहुत प्रचलित है, क्योंकि लेकिन आप जैसे उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ तो रेत शब्द नहीं होता, तो मिट्टी है, तो आपको कैसे रेत शब्द दिमाग में आया? क्योंकि मेरी कल्पना शक्ति भी कुछ है जी, और सिर्फ जहाँ हूँ वहीं नहीं जड़ हूँ मैं, मैं इधर उधर यात्रा भी कर रही हूँ, उड़ भी रही हूँ, और यूपी में नहीं मिली हो रेत, लेकिन मैं भी रेत के इलाके में मैं भी खूब घूमी हूँ, राजस्थान में भी खूब घूमी हूँ। राजस्थान में आप मानसिक टूर पे हैं? मानसिक टूर पे हैं, हाँ मानसिक टूर। अब तो राजस्थान में भी रेत बहुत कम हो रही है, वहाँ भी नदी वदी से हो गए। और कोई प्रश्न?
समय कम है तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एहसास वुमेन ईशा दत्ता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए अतिथि लेखिका का सम्मान करें। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन कोलकाता की ओर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। खासकर हमारी अतिथि गीतांजलि श्री जी और उनसे बातचीत कर रहे इस शाम को यादगार बनाने वाले विशंभर नेवर जी का। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और मीडिया पार्टनर ताज़ा टीवी के भी आभारी हैं। धन्यवाद। अब गीतांजलि हमारे जी हमारे लिए यहाँ बुक साइन करेंगी। आप एक बुक ले सकते हैं और उनसे साइन करवा सकते हैं। थैंक यू। Thank you.